आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। 7 जुलाई को बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज सड़क पर उतरी। इस दौरान कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ तथा महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी तहसील के निकट कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीमती सरला भदौरिया, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट गौरव जैन तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन प्रतिदिन महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। गाड़ी के तेल से लेकर खाने के तेल तक की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कई परिवार ऐसे हैं जो अब एक समय का भोजन भी बमुश्किल जुटा पा रही है। भाजपा की सरकार में चारों तरफ त्राही त्राही का आलम है। पेट्रोल, डीजल और गैस, खाद्य तेल आदि के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने आम जनता की कमर को तोड़ कर रख दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर इस महंगाई के खिलाफ लड़ी जा रही है। आज यहाँ पर हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशन पर, और महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हैं तो वो महिलाएं प्रभावित हैं सबसे ज़्यादा। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। हर चीज़, खाने का तेल 200 से पार हो गया, आपका पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर हो गया, गैस के दाम रोजाना हर महीने बढ़ा रहे हैं। जो 400-450 में मिला करता था आज ऊपर हो गया। तो महिलाएं सरकार की उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिला था उसको क्या गैस भरवाया जा रहा है? उसमें तो लोग एक बार भर के आए, उसका भराने के लिए पैसा नहीं है। इतनी बेरोजगारी है, व्यापार ठप हो गए हैं, सारी चीजें बंद हो गई हैं। लोग एक टाइम भोजन का, बहुत से घर ऐसे हैं 25-30% प्रदर्शन कब तक करती रहोगी? ये हम जब तक महंगाई कम नहीं करेंगे, जब तक पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के अधीन नहीं लाएंगे, जब तक तेल के दाम, खदान तेलों के दाम, खदान चीजों के दाम कम नहीं करेंगे, तब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसको हम इसी तरह थाली बजाते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, और महिलाओं को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और जनता को जगाएंगे। जनता साथ आएगी, इन्हें उखाड़ फेंकेगी। यही हमारा इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। झांसी महानगर की स्थिति भी बहुत ही बेकार होती जा रही है। यहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं है, चारों तरफ त्राही त्राही का माहौल है। लोग अच्छे दिन की कल्पना कर रहे थे लेकिन उनके दुर्दिन आ गए। पानी के जब टैंकर बिजौली पहुंचा तो बिजौली में धक्का मुक्की हुई और वहां पर एक महिला की मौत हो गई। पानी जैसी चीज़ की तरफ यहां लड़ाई मची हुई है। पेट्रोल का दाम शतक लगा चुका है। आज हालत ये है कि किसान 15 रुपये में अपना गेहूं बेचने को मजबूर है। उसकी गेहूं खरीद बंद हो चुकी है सरकारी, और तेल के दाम 200 रुपए को खाने वाले तेल 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है। चारों तरफ लोग भूख के वजह से परेशान हैं, उनके हालात घर के अच्छे नहीं हैं। उस सब बातों को लेकर आज हमारी महिला शक्ति और व्यापार प्रकोष्ठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार सारे बंद होते जा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। जो सिलेंडर इस उज्ज्वला योजना के तहत बढ़े वो 100 पीस बनकर लोगों के घरों में रह गए हैं। आज हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करें, जिससे आम जनजीवन एक अच्छी तरह से आम जनजीवन हो सके। आह्वान पर आज जितने भी कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं उन्होंने थाली बजाकर जगह जगह जाकर चप्पे चप्पे पे लोगों को आगाह करा कि सरकार के जो गलत कदम है उससे कैसे उन्हें नुकसान हो रहा है। आज देखिए तेल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं, खाने वाले तेल के दाम कहाँ पहुँच गए, और सरकार किस चीज़ में व्यस्त है। सरकार रोज ने शिकू पे छोड़ दिया। आज उन्होंने बोला कि हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे। कैबिनेट के विस्तार से क्या महंगाई पर कोई रोक लगेगी, या तेल के दाम कम होंगे? और अगर ये करने ही था तो पहले क्यों नहीं करा? तो हम बस लोगों को यही आगाह कर रहे हैं कि सरकार के जो पूरा जो देश पूंजीपतियों को बेच रहा है उसके खिलाफ है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके सब बेच देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लोग महंगाई से मरेंगे। और इसी के खिलाफ हमारा ये आह्वान था, जिसमें महिला प्रकोष्ठ ने मुख्यतः से यहाँ पर थाली बजाई और व्यापार प्रकोष्ठ व युवा के अलग जितने भी कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं उन्होंने थाली बजाकर जगह जगह जाकर चप्पे चप्पे पे लोगों को आगाह करा कि सरकार के जो गलत कदम है उससे कैसे उन्हें नुकसान हो रहा है।
आज देखिए तेल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं, खाने वाले तेल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं, और सरकार किस चीज में व्यस्त है। सरकार रोज ने शिकू पे छोड़ लिया, आज उन्होंने बोला कि हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे। कैबिनेट के विस्तार से क्या महंगाई पे कोई रोक लगेगी, या तेल के दाम कम होंगे? और अगर ये करने ही था तो पहले क्यों नहीं करा? तो हम बस लोगों को यही आगाह कर रहे हैं कि सरकार के जो पूरा जो देश पूंजीपतियों को बेच रहा है उनके खिलाफ है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके सब बेच देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लोग महंगाई से मरेंगे। और इसी के खिलाफ हमारा ये आह्वान था, जिसमें महिला प्रकोष्ठ ने मुख्यतः से यहाँ पर थाली भेजा, और व्यापार प्रकोष्ठ व युवा के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं वो उनमें सम्मिलित हुए।